नमस्कार, मैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा, MD आयुर्वेद, अमृता आयुर्वेद हॉस्पिटल नाभा, जिला पटियाला से हूँ। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आए हैं। हर साल हम लगभग 3 या 4 बार इन जंगलों में आते हैं। यहाँ से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते हैं और उसके बाद, जैसा आपको पता है कि हम अपनी औषधियों का खुद निर्माण करते हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम जिस एरिया में आए हुए हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं एक बहुत ही प्रमुख एक जड़ी बूटी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ बनाने में। इसका नाम है शतावरी। इसको पंजाब में शतावर के नाम से भी जाना जाता है और इसका बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में। शतावरी आपके वेट को इनक्रीज करती है। शतावरी जो है वो वात पित्त शामक होती है, अर्थात किसी भी टाइप की कोई पित्त से संबंधित कोई गर्मी है उसमें इफेक्ट है। कोई आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है, कोई पेशाब में जलन है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। जहाँ पर स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। और इसी के साथ साथ शतावरी में जो गर्भाधारण में भी शतावरी का बहुत अच्छा रोल रहता है। और जब बच्चा होने के बाद जिन माताओं का दूध नहीं उतरता है या कम उतरता है, उनमें भी शतावरी का बहुत अच्छा रोल है। तो जो शतावरी में हम जो इसका प्रयोज्य अंग है, हम इसकी जड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे इसकी जड़ को निकालने की और आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक फैली हुई होती हैं, तो ये बहुत ढंग से निकालनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको उस हिसाब से गेंती वगैरह या आपका जो प्रॉपर हथियार वो भी चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि अब हम शतावरी की जड़ें निकालने में जो है वो सक्षम हो गए हैं। ये शतावरी बिल्कुल प्राकृतिक है और इसमें जो जितने भी एक दवाई में जो तत्व होने चाहिए उसी इस शतावरी में पूरे हैं। और अब हम इसका इस्तेमाल अलग अलग पाउडर बनाने के लिए या घी में डालने के लिए करेंगे। शतावरी की जो जड़ें अभी निकाली थी तो उनको अभी धोने का काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि सब कुछ प्राकृतिक है, तो जब पानी देख रहे हैं, ये पानी भी बॉडियों का पानी है और ये पानी भी प्राकृतिक है। तो देखिए, जब इसकी बाहर से निकला तो देखिए शतावर, मतलब आप अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सफ़ेद रंग की इसकी जो है वो जड़ें रहती हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक तरीके से पैदा हुई जड़ी बूटी, उसके बाद प्राकृतिक तरीके से जब इसे धोया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो औषधि हम बनाएंगे उस औषधि की गुणवत्ता और अच्छी होगी। देखिए, शतावरी तो बहुत जगह मिलती है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से, जैसे आप देख रहे हैं जंगल है, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो है जड़ी बूटी पैदा हुई है, तो इसमें इस जड़ी बूटी में सारे गुण हैं, सारे रस गुण वीर्य विभाग से ये संपूर्ण जड़ी बूटी है और इसीलिए इस जड़ी बूटी की एफिकेसी ज़्यादा रहेगी। कई बार प्रश्न आता है कि हम कोई शतावरी बाहर दुकान से खरीदते हैं और उसके हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन यही शतावरी जब हम खुद आकर के पहाड़ों से इसको निकालते हैं और इसको बहुत इसको अच्छे तरीके से शुद्ध करके इसका दवाई में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके हमें जो रिजल्ट हैं वो 100% मिलते हैं। धन्यवाद।